हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं जो एक एक्सेप्शन केस होता है। लाइक अगर बाई चांस हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं और डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है तो हम क्या करते हैं। और इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस है, लाइक स्टूडेंट मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट के अंदर मैंने CF निकालना सिखाया था, उसके बाद मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल बताया और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद मैं ये तीसरा वीडियो लेके चल रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे ITAB है, यहाँ पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट BSc और IDJM और बहुत सारे लाइक मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, सो यहाँ पे ITAB पे जाके मेरी सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल PDE वेर एक्सेप्शन केस वेन FAB इज इक्वल टू जीरो, लाइक डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, ax+by, यहाँ पे BD-AD-, तो हम क्या करते थे, जहां पर D होता वहां A रखते थे और जहां D- होता वहां B रखते थे। तो स्टूडेंट BA-AB जीरो हो रहा है, तो जब जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है ये कार्टिक एक पूरी थ्योरम है जिससे इसका रिजल्ट ये निकलता है, बट थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपको सूरा थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे क्या होता है, x^n लाइक जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है यहाँ पे x^n आएगा, ये जो बी है ये b^n(n)^n और ये एजीरीज यहाँ पे आ जाएगा, लाइक है ना। सो मैं आपके सामने ये दो क्वेश्चन, एक टेन और एक लॉग वाला, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज जितने भी मैंने पुराने क्वेश्चन बताए तो उसमें e^ है, साइन है, कॉस है, उसमें भी यही लगेगा, बट ये लॉग टेन भी है इसमें भी ये लगा सकते हैं। सो मैं आपके सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन लेता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 4d² - 4dd² + d² (z = 16 log x+2y। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम CF निकालेंगे, m² - 4m + 1 = 0। सो स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2m - 1² = 0। सो m की वैल्यू आएगी 1/2 एंड 1/2, तो इसका जो CF आएगा वो कितना आएगा, ध्यान दीजिए इधर, इसका जो CF आएगा वो आएगा 5 1y + 1/2x + 5 2x भी आएगा यहाँ पे x 5 2 y + 1/2x, पर स्टूडेंट हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये 5 1 जो होता है फंक्शन होता है। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2y + x + x 5 2 2y + x, ये इसका CF होगा। नाउ स्टूडेंट PI की बात करते हैं, तो PI में जैसे हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा 16 log x + 2y / 4d² - 4dd² + d² का स्क्वायर। स्टूडेंट जहां पर d है वहां 1 रखेंगे, तो आप 1 रखेंगे तो मैं यहां रख देता हूं 4 1² - है ना, यहां पे हम d की जगह 1 रखेंगे और d' की जगह हम रखेंगे यहां पे 2, है ना, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप चेक करेंगे दिए 4 - 8 + 4, तो नीचे जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आता है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये इसका आंसर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर है ना, कितना ऑर्डर है यहाँ पे सेकंड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा x^2, फिर ये जो बी है b^n लाइक बी यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये आएगा 2^2, है ना, एन लाइक एन, और इंटू आएगा 2 factorial और ये 16 log x + 2y as it is आएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, ये फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई करना है, बस ये ध्यान देना है कि b जो है वो y का कोफिशियंट होगा, तो ये y का जो कोफिशियंट है वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2^n, यहाँ पे कितना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, अगर 3 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। सो ये ध्यान देने की जरूरत है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये x²b², है ना, लाइक b यहाँ पे 2 है तो 2² 2 factorial, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 4 4 2 8, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2x² log x + 2y, देन फाइनल आंसर होगा z = CA + PI। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश कर दी करिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे m² - 2m + 1 = 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m - 1² = 0, तो आपके पास m की वैल्यू 1 1 आएगी, तो इसका जो CF आएगा वो आएगा 5 1y + x + x 5 2y + x। स्टूडेंट यहाँ पे इसका PI निकालेंगे तो क्या होगा, ये 10 है, मैं इसको थोड़ा x + y लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट वो होना चाहिए, देन d² d d′ + d′² जहाँ पे d वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ d′ वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 - 2 1, तो स्टूडेंट नीचे 0 हो रहा है। जब भी नीचे 0 होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक b कितना है यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले तो हम याद करते हैं इसकी पावर, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये x² आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 2 1 factorial, है ना, b की पावर 2, है ना, तो b यहाँ पे कितना है 1 है, और सॉरी ये आएगा आपके पास कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर है ना, लाइक n है, तो ये 2 factorial आएगा यहाँ पे, है ना, देन ये आएगा आपके पास 10 x + y as it is आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा x² / 2 10
x plus y, तो फाइनल आंसर आएगा इसका z is equal to ca plus pi, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, लाइक दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आप चाहो तो इसका आंसर वैसे भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, फाइव टू वाई प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस सॉरी टेन एक्स प्लस वाई, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन और है, फिर इसको अपन खत्म करेंगे। लाइक यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम इज इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एम एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज एम की वैल्यू जीरो आएगी, देन 2 और 2 आएगी, है ना, बिकॉज यहाँ पे m माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 2 आ जाएगा ना, तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा 51y प्लस 52y प्लस 2x प्लस x53y प्लस 2x, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, सो ये आएगा 4 साइन 2x प्लस y डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट आप चीज देख रहे हो यहाँ पे d कॉमन आ रहा है ना, मैं इस d को कॉमन लेता हूँ तो अंदर बच रहा है डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश का स्क्वायर, है ना। अब एक बार ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, वैसे आप देख रहे हो जहाँ d है वहाँ 2 रख रहे हैं और जहाँ d डैश है वहाँ 1 रख रहे हैं, तो स्टूडेंट ये 2 तो ये 4 हो जाएगा, देन यहाँ रखेंगे तो माइनस 8 और यहाँ रखेंगे तो प्लस 4, तो स्टूडेंट नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो मैंने आपको तरीका बताया था, वही तरीका यहाँ पे फॉलो करना, पर एक बार ध्यान रखना है कि ये d है, ये d से कुछ नहीं हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे इसका इस d का पहले मामला निपटा लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लाइक डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 2x प्लस वाई अपॉन डी, है ना, मैं इसको अलग लिख देता हूँ, है ना, और किसी के नीचे अगर 1 बाई डी है, मतलब ये डी है तो ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, तो इसका 1 बाई डी का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे हम इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस का कॉस 2x प्लस वाई, और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा, ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये सीरीज आ जाएगा तो 4 से हमने डिवाइड किया तो 2, देन मैं इसको लिख लेता हूँ और माइनस बाहर लिख लेता हूँ, तो ये आएगा आपके पास cos 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे x की जगह लाइक d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 रखने पर नीचे 0 हो रहा है, जब भी नीचे 0 होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा b पावर 1, तो यहाँ पे b जो y का कॉफिशियंट होता है वो b होता है, तो b क्या आ जाएगा यहाँ पे b पावर 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा cos 2x प्लस y, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा आपके पास यहाँ पे तो 1 पावर 2 तो 1 ही होता है, 2 फैक्टर 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास इसका जो सी एफ आएगा वो पी आई आएगा वो माइनस का x स्क्वायर cos 2x प्लस y आएगा, देन फाइनल आंसर आएगा इसका z इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, है ना, तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अभी। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, सो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको डी स्क्वायर प्लस 5dd डैश प्लस 6d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू वाई माइनस 2x की पावर माइनस 1, देन एन स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे दिया आएगा m प्लस 2 इंटू एम प्लस 3, है ना, इज इक्वल टू 0, हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा, देन m की वैल्यू आ गई माइनस 2 एंड माइनस 3, तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा 51y माइनस 2x प्लस 52 y माइनस 3x, देन इसका हम पी आई निकालेंगे, तो पी आई में क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरा नीचे डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको y माइनस 2x की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 5dd डैश प्लस 6d डैश का स्क्वायर, पर स्टूडेंट हमने अभी इसके फैक्टर किए, ये फैक्टर है तो इसको मैं फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सो मैं एक्चुअली क्या हो रहा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे हम d की जगह हम यहाँ पे x की जगह लाइक d की जगह 2 रखेंगे और d डैश की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, बट आपको एक ध्यान देने की जरूरत है कि ये लाइक
एक फैक्टर अगर अलग से नहीं, वैसे इससे भी काम हो जाएगा, आप वो वाला प्रोसेस भी फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट एक तरीका और आप जो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब भी हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं जब डिनोमिनेटर में जीरो वाला, तो आपको ऑर्डर चेक करने की जरूरत है कि किस ऑर्डर को रखने पर। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे एक बार। तो फैक्टराइज करेंगे तो स्टूडेंट जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा डी प्लस टू डी डैश एंड देन ये आएगा डी प्लस थ्री डी डैश, देन आपके पास आ जाएगा y माइनस टू एक्स की पावर माइनस वन। तो जहां पर d है वहां 2 रखेंगे और जहां d डैश है वहां 1 रखेंगे। तो जैसे ही आप d की जगह लाइक d की जगह माइनस टू रखेंगे तो ये जीरो हो रहा है, बट ये वाला जीरो नहीं हो रहा है। तो एक बार इससे निपट लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस पे रखने पर जीरो हो रहा है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, पर यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, जहाँ d है वहाँ माइनस टू रखूंगा और जहाँ d डैश है वहाँ 1 रखूंगा और मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो माइनस वी डी वी, जो हमने पहले रूल लगाया था वो रूल हम यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। सो यह आएगा 1 अपॉन डी प्लस 2 डी डैश और ये हमारे पास वैल्यू आ रही 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन वी। एक्चुअली वी इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन वी, और 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग वी, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन डी प्लस 2 डी डैश लॉग, ये आएगा आपके पास y माइनस 2x। पर स्टूडेंट जहां पर भी d है वहां पे माइनस टू और डी डैश की वन जगह वन रखने पर ये जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे वो प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर वन है तो ये आएगा x पावर वन, देन यहाँ पे b जो है वो वन, इसका कोफिशियंट वन है तो ये आएगा वन पावर वन, और ये आएगा वन फैक्टोरियल इंटू लॉग y माइनस 2x। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा x log y माइनस 2x, ये इसका क्या आएगा pi आएगा, देन फाइनल आंसर आएगा z इज इक्वल टू ca प्लस pi। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए लास्ट क्वेश्चन, और डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू की पावर एक्स वाई। स्टूडेंट जहाँ पे डी वहाँ एम रखेंगे, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एम की वैल्यू आएगी वन माइनस वन टू, देन ये इसका क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, देन इसको पूरे को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ना, इसका पी आई निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये और ये टर्म आएगी, यहाँ पे वन और माइनस वन रखने पर जीरो हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको अपन अलग रखेंगे। देन जहाँ पे डी है वहाँ वन और जहाँ डी डैश है वहाँ वन रखा, तो अपन चेक करते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही, वन माइनस वन माइनस टू, देन ये हमारे पास एक बार दो बार इंटीग्रेशन होगा e की पावर v dv dv। पर स्टूडेंट हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज e की पावर v तो e की पावर v ही होता है। सो ये आएगा वन अपॉन d माइनस d डैश, और ये लाइक वन से वन कैंसिल हो गया तो माइनस टू मैंने आगे रख दिया, और ये आएगा e की पावर वापस v की वैल्यू रख दी x प्लस वाई। और स्टूडेंट जहाँ पर भी d है वहाँ वन और d डैश की जगह वन रखने पर ये जीरो हो रहा है। जब भी जीरो होता है तो हमारे पास रूल था यहाँ पे x, ये d की पावर वन है तो x पावर वन आएगा माइनस टू, देन बी पावर एन लाइक बी पावर वन आ जाएगा, देन एन फैक्टोरियल दैट इज वन फैक्टोरियल इंटू लाइक ये वन है और ये वन फैक्टोरियल है ना, देन ई की पावर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का एक्स बाई टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसका क्या आएगा पी आएगा, देन फाइनल आंसर जेड इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। स्टूडेंट मैं यहाँ पे जेड इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई कर रहा हूँ, पर सी ए फोर पी आई को ऐड करके लिखना आपका काम है। सो इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इवन नेट में भी आ जाते हैं। सो प्लीज़ आप इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जब भी हम डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट में जो आगे आपके सामने लेके आने वाला हूं वो है कि लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या लाइक पॉलीनोमियल के फॉर्म में हो तो उस वाले केस में कैसे हम यहाँ पे पी आई निकालते हैं, और प्रोडक्ट फंक्शन का पी आई किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपके सामने लूंगा। फिर उसके बाद नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाला है। और स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बार बार मैं आपको लास्ट में बोलता रहूँगा, भैया इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।